वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास 1550 से 1700 तक, जो कि आपके बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर 4 में शामिल है। हिस्ट्री का पेपर है आपका एनईपी 20 के अकॉर्डिंग। तो पार्ट 7 तक हम लोग कर चुके हैं, पार्ट 8 आपका मैं करा रही हूँ आज। पार्ट का नाम है मुगल चित्रकला, पेपर का नाम है भारत का इतिहास 1550 से 1700 ईस्वी। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 8, मुगल चित्रकला। मुगल चित्रकला की उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ से शुरुआत करेंगे हम। तो बाबर के टाइम पर 1526 से 1530 के दौरान भारत में पारसी कला और संस्कृति की शुरुआत 1526 में मानी जाती है, जब तैमूर लंग की पांचवी पीढ़ी के वंशज बाबर ने भारतीय उपमहाद्वीप में नए क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। तो मुगल राजवंश का संस्थापक बाबर 1526 से 1530 ईस्वी के दौरान एक यात्री, विद्वान, दार्शनिक और प्रकृति प्रेमी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अपने पूर्ववर्ती तैमूर शासकों की तरह उन्हें चित्रकला में गहरी रुचि थी और उनके पास फारसी पांडुलिपियों का एक व्यापक संग्रह था। तो फारसी पांडुलिपियां थी उनके पास, एक अच्छा खासा कलेक्शन था जिसे बेहजाद और उनके शिष्यों सहित प्रसिद्ध हेरात स्कूल के कलाकारों द्वारा समृद्ध किया गया था। तो उसमें और चीजें एड ऑन की गई थी जो कि फारसी पांडुलिपियां थी उनके पास। उसके पास चित्रकला के लिए समय नहीं था, उस समय अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करना उसका पहला उद्देश्य था, तो चित्रकला की तरफ उसका ध्यान नहीं जा सका। हुमायूं की बात करें तो 1530 से 1556 के दौरान बाबर के पुत्र और उत्तराधिकारी हुमायूं को अफगान विद्रोह के कारण 1540 में सिंध और फिर फारस भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। फारस में रहते हुए उन्होंने 16वीं शताब्दी के कुछ सबसे प्रतिष्ठित फारसी चित्रकारों से मुलाकात की। दो युवा कलाकारों, तबरेज के मीर सैयद अली और शिराज के अब्दुल समद को शाह तहमास के दरबार में हुमायूं से मिलवाया गया। ये आपको ध्यान रखना है, कलाकार थे तबरेज के मीर सैयद अली और शिराज के अब्दुल समद। फिर हुमायूं ने उन्हें काबुल में अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। चित्रकला की मुगल शैली की स्थापना माना जाता है कि इन दो फारसी चित्रकारों के द्वारा ही की गई। कौन कौन? मीर सैयद अली और शिराज के अब्दुल समद। तो मीर सैयद अली को फारसी महाकाव्य दास्ताने अमीर हमजा का वर्णन करने के लिए कहा गया था। उनको कहा गया कि दास्ताने अमीर हमजा पर आप अलग अलग घटनाओं के चित्र बनाइए, जैसे आजकल कॉमिक्स बनती हैं जो कि मोहम्मद के चाचा हमजा के कारनामों की कहानी बताया करती है। तो 1400 चित्रों के साथ, यानी कि 1400 चित्रों के साथ 12 विशाल खंडों के काम का आरंभिक भाग तैयार किया। पहले मीर सैयद अली के अधीन और फिर अब्दुल समद के अधीन 50 चित्रकारों को नियुक्त किया गया। 50 चित्रकार लगे इन दोनों के अधीन और उन्होंने मिलकर के इस काम को पूरा किया। अकबर के समय में चित्रकला बहुत महत्वपूर्ण थी। उस समय भारतीय चित्रकला ने एक नया आयाम प्राप्त किया था और मुगल कला की शैली में विकसित हो रही थी। धीरे धीरे मुगल और भारतीय चित्रकलाएं मिक्स हो रही थी कहीं ना कहीं। तो अकबर ने कला को प्रोत्साहित किया और अपने दरबार में कई महान कलाकारों को समर्थन दिया। चित्रकला में मुगल स्वरूपाचार का प्रभाव प्रमुख था। तो मुगल स्वरूप जो था उसका प्रभाव दिखाई पड़ता था, जिसमें मानव आकारों और पृथ्वी वर्धन का सुंदर दृश्य भाग शामिल हुआ। अकबर के समय में चित्रकला ने एक नया रूप धारण किया था जो मुगल साम्राज्य की सांस्कृतिक अद्वितीयता को प्रकट करता था, मतलब उनकी सांस्कृतिक वैभव को, इन चीजों को प्रकट किया करता था। उस समय के चित्रकारों ने भारतीय और पारसी संस्कृतियों के प्रभाव से विकसित एक नई शैली को आकार दिया था। अकबर ने चित्रकला को अपने दरबार में महत्वपूर्ण स्थान दिया और उसने कई विदेशी कलाकारों को भी अपने दरबार में बुलाया। तो उस युग में कलाकारों ने राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विषयों पर आधारित बहुत से चित्रों की रचना की। चित्रकला के माध्यम से मुगल साम्राज्य की समृद्धि, उनकी रईसी, साहस और सुंदरता की प्रशंसा जो है तारीफ की जाती थी। तो इस युग में चित्रकला के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ और यह भारतीय चित्रकला का एक स्वर्ण युग माना जाता है। अकबर के समय की चित्रकला की विशेषताओं की बात करें तो समय की व्यापकता, अकबर के समय में चित्रकला का क्षेत्र बहुत व्यापक हुआ करता था। इसमें पोर्ट्रेट, प्राकृतिक दृश्य, धार्मिक और सांस्कृतिक विषय और अलंकरण शामिल हुआ करता था। रंगों का प्रयोग होता था। इस टाइम रंगों का इस्तेमाल बड़े उत्कृष्ट तरीके से किया गया था। रंगों की विविधता और उनकी जुगलबंदी चित्रकला को और भी ज्यादा आकर्षक बनाया करती थी। साथ में मिनिएचर्स अकबर के समय में भी बहुत महत्वपूर्ण थे। इनमें छोटे आकार के विस्तारी बाजार का वर्णन हुआ करता था। छोटे आकार में ज्यादा चीज दिखाना, छोटी छोटी पेंटिंग्स। तो धार्मिक और सांस्कृतिक विषय होते थे। इस काल में चित्रकला का क्षेत्र धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों पर भी फैला हुआ होता था। इसमें हिंदू, मुस्लिम और द्वितीय विषयों पर चित्र बनाए जाते थे। विविधता, अकबर के समय की चित्रकला में विविधता और समृद्धि देखी जा सकती है। इस काल में चित्रकला के अनेक अद्वितीय शैलियों और रूपों का विकास हुआ था।
अकबर के समय की चित्रकला ने मुगल संस्कृति को नया आयाम दिया और उसे एक नए उच्च स्तर तक पहुंचाया था। जहांगीर के टाइम में चित्रकला भारतीय इतिहास में एक उच्च शिखर पर थी। जहांगीर खुद एक कलावादी थे और उन्होंने चित्रकला को बढ़ावा दिया था। जहांगीर के दरबार में कला और साहित्य का विकास हुआ। उन्होंने अपने दरबार में कई महान कलाकारों को भी आमंत्रित किया था। उनकी पत्नी नूरजहां खुद भी एक प्रमुख कलाकार हुआ करती थी। उनके समय में मुगल चित्रकला के रूप, रंग और भाव के संयोजन में विशेष ध्यान दिया गया। जहांगीर के दरबार में चित्रकला के कई नए रूप और शैलियां उत्पन्न हुई, जिन्हें पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, नजरिया पेंटिंग्स वगैरह शामिल थे। इस युग में चित्रकला के क्षेत्र में बहुत उत्कृष्टता हुई और कलाकारों ने रंग, आकृति और रूप के संयोजन में काफी महारत हासिल की। इस युग के चित्रकारों ने मानव आकारों और प्रकृति सौंदर्य को विस्तृत रूप से दर्शाने की कोशिश की थी। इसके अलावा चित्रकला में भावनात्मक गहराई और शैली का नया प्रयोग भी शामिल किया। जहांगीर के टाइम की चित्रकला मुगल कला का एक महत्वपूर्ण अध्याय मानी जाती है। उस टाइम की चित्रकला की मुख्य विशेषताएं क्या थी? रचनात्मकता, पहली बात तो जहांगीर के समय की चित्रकला में रचनात्मकता का उच्च स्तर हुआ करता था। चित्रकला में नई और विविध शैलियों का प्रयोग किया गया था। रंगों की विविधता, इस काल में रंगों की विविधता और जुगलबंदी का प्रयोग बहुत उत्कृष्ट तरीके से किया जाता था। प्राकृतिक दृश्य, चित्रकला में प्राकृतिक दृश्यों का भी महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। इसमें बाग, बरसात, पेड़ पौधों को दिखाया जाता था। मिनिएचर्स, अपने पिता की तरह जहांगीर को भी मिनिएचर्स बहुत पसंद रहे। इनमें रंग बिरंगे बहुत सारे रंगों का इस्तेमाल किया जाता था। धार्मिक और सांस्कृतिक विषय, इस काल में चित्रकला का क्षेत्र धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों पर भी फैला। इसमें हिंदू, मुस्लिम और द्वैतीय विषयों पर चित्र बनाए। अलंकरण, जहांगीर के समय की चित्रकला में अलंकरण की खास विशेषता थी। चित्रों में विभिन्न प्रकार के आभूषण वस्तुओं को इस्तेमाल किया जाता था। तो जहांगीर के समय की चित्रकला एक अद्वितीय और अमूल्य धरोहर बनी। इसके बाद बात करें शाहजहां की, तो शाहजहां के समय की चित्रकला मुगल कला का एक महत्वपूर्ण अंश मानी जाती है। इस काल में चित्रकला ने अपने उच्चतम स्तर को छुआ। मुगल चित्रकला में रचनात्मकता, सुंदरता और विस्तार की भावना थी। इस युग में चित्रकला का क्षेत्र बहुत व्यापक था, जिसमें मुगल सम्राटों के पोर्ट्रेट, प्राकृतिक दृश्य, मिनिएचर्स, विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों पर आधारित चित्र वगैरह शामिल हुए करते थे। विशेषताएं क्या थी? पोर्ट्रेट बनते थे। इस काल में मुगल सम्राटों के पोर्ट्रेट का विकास हुआ। ये पोर्ट्रेट उत्कृष्टता और विस्तृतता के साथ बनाए जाते थे। प्राकृतिक दृश्य, चित्रकला में प्राकृतिक दृश्यों का भी महत्वपूर्ण स्थान था। इसमें बाग, बरसात, पेड़ पौधे को अद्वितीय रूप से दर्शाया जाता था। मिनिएचर्स, यानी कि छोटे चित्र, इस युग में भी बहुत महत्वपूर्ण रहे। इनमें रंग बिरंगा इस्तेमाल किया जाता था और ये साइज में छोटे होने के बावजूद भी बहुत विस्तारी और जानकारी से भरे हुए हुआ करते थे। धार्मिक और सांस्कृतिक विषय, इस युग में चित्रकला का क्षेत्र धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों पर भी काफी फैला हुआ था। इसमें हिंदू और मुस्लिम धर्म, इतिहास और सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर चित्र बनाए जाते थे। शाहजहां के समय की चित्रकला में रचनात्मकता, सुंदरता और विस्तार की भावना थी। आगे बात करें औरंगजेब की, तो कट्टर और रूढ़िवादी औरंगजेब कला का समर्थक नहीं था। इस कारण आखिरकार कला संस्कृति क्षीण होने लगी थी और अपनी जीवंतता खोने लगी थी। हालांकि संभव है कि उसने अपने अंतिम वर्षों में अपने चित्रों को चित्रित करने की अनुमति दे दी हो, क्योंकि काफी ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनमें उन्हें दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है, जो या तो शिकार पर जा रहे हैं या फिर कुरान की एक प्रति लेकर के जा रहे हैं। लोकप्रिय मुगल स्कूलों की बात करें तो उत्तरी भारत में सैकड़ों चित्रकार दिल्ली के सुसंचालित शाही अटेलियर में काम करने के लिए आए। ऐसे व्यक्ति जो फारसी उस्तादों या मास्टर कलाकारों और उनके पर्यवेक्षकों द्वारा निर्धारित कौशल और कारीगरी के कठोर मापदंडों को प्राप्त करने में विफल रहे, उन्हें देश के सबसे प्रसिद्ध और गणमान्य व्यक्तियों के महलों में नियुक्त किया गया था। कलाकारों को काम पर रखना कई हिंदू कुलीनों द्वारा हैसियत के निशान के रूप में देखा जाता था। स्वाभाविक रूप से रामायण, महाभारत, नल दमयंती, रागमाला और कई धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष हिंदू साहित्यों में उनके कई पसंदीदा विषयों के लिए प्रेरणा के रूप में काम किया। अधूरी कामकंदला और माधव नार श्रृंखला की पेंटिंग तथा कथित लोकप्रिय मुगल स्कूल ऑफ चित्रकला के उदाहरण के रूप में काम करती है। यानी कि ये जो पेंटिंग्स हैं, अधूरी कामकंदला और माधव नला, ये माना जाता है कि मुगल स्कूल ऑफ चित्रकला के मुगल स्कूल से बनी हुई है। ये दूसरी ओर कई मानक रूपांकन फिर से प्रकट। प्रांतीय मुगल स्कूल कई क्षेत्रों में युवा चित्रकारों ने अपने राज्यों में जाने से पहले केवल शाही शैली के मूल सिद्धांतों का अध्ययन करने के लिए दिल्ली की यात्रा की। मुगल शैली के कलाकारों द्वारा यह व्यापक रूप से फैलाई गई बात कि जिन्होंने अपना जीवन शाही परिवार की सेवा में बिताया था। परिणाम स्वरूप स्थानीय और मुगल कला के मिश्रण ने तथा कथित प्रांतीय मुगल स्कूलों को जन्म दिया। इस शैली के प्रमुख केंद्र थे फैजाबाद, मुर्शिदाबाद, हैदराबाद, अवध, लखनऊ। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि मुगल चित्रकला
सांस्कृतिक आदान प्रदान, तकनीकी श्रेष्ठता और कलात्मक नवीनता का एक आकर्षक मिश्रण है। ये भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य के कलात्मक विकास में एक अद्भुत अध्याय का प्रतिनिधित्व करती है। मुगल साम्राज्य अपने विस्तृत विवरण, जीवंत रंगों, अभिव्यंजक आकृतियों और विशद कथाओं के लिए प्रसिद्ध है, जो कि मुगल काल की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालती है। अभ्यास प्रश्न की बात करें तो मैंने कुछ प्रश्न आपके लिए लिए हैं। इसमें मुगल चित्रकला अपने आकार की विशेषता के लिए क्यों जानी जाती है, तो उत्तर रहेगा इसका, मुगल चित्रकला को उसके आकार, शैली और विविधता के लिए जाना जाता है। मुगल कलाकारों ने विभिन्न शैलियों में काम किया, जिसमें मिश्रण की संगीतमयता, रंगों की विशेषता और विस्तृतता का पालन किया गया। उन्होंने भारतीय, पर्शियन, तुर्की और मुगल शैलियों के संगम से नया और अद्वितीय स्वरूप बनाया। इसके अलावा उन्होंने चित्रों में गहराई और टेस्ट डिटेल को भी ध्यान में रखा, जो मुगल चित्रकला को अन्य भारतीय कलाओं से अलग बनाता है। इसलिए मुगल चित्रकला अपने आकार की विशेषता के लिए जानी जाती है। दूसरा प्रश्न मैंने आपके लिए लिया है, मुगल शासकों ने चित्रकला को क्यों संरक्षण दिया। मुगल शासकों ने चित्रकला को संरक्षण दिया क्योंकि वे कला के प्रति गहरी रुचि रखते थे और उसे एक महत्वपूर्ण कला रूप मानते थे। उन्होंने कला को आदर्श और समृद्धि का प्रतीक माना था, जिससे समाज में समरसता और समृद्धि का संकेत मिलता था। इसके अलावा वे चित्रकला को धार्मिक और सामाजिक संदेशों को प्रवाहित करने का भी एक माध्यम मानते थे, जो उनके समय की सांस्कृतिक और धार्मिक धाराओं को प्रकट करता था। इसलिए मुगल शासकों ने चित्रकला को संरक्षित किया और साथ ही प्रोत्साहित भी किया। अगला प्रश्न मैंने लिया, मुगल चित्रकारों ने पशु चित्रण को विशेष महत्व क्यों दिया। तो मुगल चित्रकला में पशुओं के चित्रण को महत्वपूर्ण माना गया था, क्योंकि पशुओं को चित्रित करने से वे चित्रों में जीवन और उत्साह की भावना उत्पन्न होती थी। पशुओं के चित्रण से चित्रकार वास्तविकता को भी दर्शाते थे, जैसे कि उनकी आकृति, स्वभाव और चाल धावन। इसके अलावा पशुओं के चित्रण से मुगल चित्रकारों ने प्राकृतिक सौंदर्य को भी प्रदर्शित किया, जिससे दर्शकों की प्रकृति के साथ अधिक संबंध बनाने की प्रेरणा मिलती थी। अगला प्रश्न मैंने आपके लिए लिया, अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला के विकास का वर्णन कीजिए। तो अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला का विकास एक उच्च स्तर तक पहुंचा। अकबर ने चित्रकला को प्रोत्साहित किया और उसे अपने दरबार में महत्वपूर्ण स्थान दिया। उसने चित्रकला के लिए कलाकारों को समर्थन प्रदान किया और उन्हें विविध शैलियों और विषयों में काम करने की प्रेरणा दी। अकबर के दरबार में चित्रकला के कई महान चित्रकार थे, जिनमें अबुल समद, बसवंत, मनोहर, दसवंत और अबुल फजल शामिल थे। इन कलाकारों ने भारतीय और परदेशी शैलियों का मिश्रण किया और अद्वितीय चित्रकला का सृजन किया। अकबर के शासनकाल में चित्रकला में एक नया दौर आया, जिसमें रंग, रूप, आकृति और रूपरेखा की महत्वपूर्णता थी। चित्रों में जीवन की भावना को व्यक्त करने का प्रयास किया गया था। चित्रकला में आकर्षक रंग, विस्तारित दृश्य और विविधता का परिचय दिया गया था। तो इस प्रकार अकबर के शासनकाल में मुगल चित्रकला ने एक उच्च स्तर पर विकसित होकर के भारतीय चित्रकला की एक नई मिश्रित और समृद्ध शैली की स्थापना की थी। आगे प्रश्न बेटा मैंने लिया है, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल के बीच मुगल चित्रकला की शैलियों में क्या अंतर थे। तो जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल के बीच मुगल चित्रकला में कुछ बहुत महत्वपूर्ण अंतर थे। पहला था रंग और दृश्यता का प्रयोग। जहांगीर के शासनकाल में रंगों का अधिक प्रयोग किया गया था और चित्रों में विस्तारित दृश्य दिया गया था। वो अपने दरबार में रंग बिरंगे वस्त्र पहनने के शौकीन थे। वो चित्रों में अधिक नैतिक और भावनात्मक मुद्दों को दर्शाने की कोशिश करते थे। शाहजहां के काल में चित्रों में सुखद और शांतिपूर्ण दृश्य दिखाए गए थे और रंगों का बहुत सावधानी से इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा आकार और संरचना। जहांगीर के काल में चित्रों में आकारों का उत्साही प्रयोग किया गया था, जबकि शाहजहां के काल में आकार समृद्ध और सुव्यवस्थित थे। तीसरी क्वालिटी थी स्थानीयता और प्राकृतिक परिदृश्यों का इसमें प्रयोग। जहांगीर के काल में चित्रों में स्थानीय और प्राकृतिक परिदृश्यों को अधिकतम स्थान दिया गया था। इसके बावजूद शाहजहां के काल में चित्रों में यहाँ तक कि प्राकृतिक परिदृश्यों का उपयोग कम हुआ और उन्होंने शहरी और आर्किटेक्चरल दृश्यों को ज्यादा प्राथमिकता दी। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला के पतन के कारणों की चर्चा कीजिए। तो मुगल चित्रकला का पतन उस समय की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों से जुड़ा था। इसके कई कारण थे, जैसे कि अंग्रेजों के आने के बाद भारतीय साहित्य, कला और संस्कृति पर उनके प्रभाव का पड़ना। आर्थिक कारण था, मुगल साम्राज्य के अंतिम दशकों में आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। राज्य की आर्थिक कमी ने कलाकृतियों को समर्थन देने में असमर्थ बना दिया। राजनीतिक कारण थे, मुगल साम्राज्य में सत्ता की लड़ाई में उलझन थी और विभिन्न संघर्षों ने कलाकृतियों को प्रभावित किया। तीसरा था सामाजिक परिवर्तन। ब्रिटिश साम्राज्य के आने से भारतीय समाज में भी बदलाव हुआ, जिससे कला और संस्कृति पर भी प्रभाव पड़ा।
चौथा कारण था धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। तो धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों ने भी मुगल चित्रकला को प्रभावित किया। जैसे ही इस्लामी नियमों के अनुसार चित्रकला की प्रतिबंधितता हो गई कि इस्लाम में चित्रकला इतने से हराम मानी जानी थी। तो इन सभी कारणों के समावेश से मुगल चित्रकला का पतन हुआ, लेकिन यह इतिहास में उसका महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखता है और उसका कला के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये था आपका लेसन मुगल काल में चित्रकला। बेटे आपने पढ़ा हिंदी के चैनल पर, ये हिंदी वाली मैम के चैनल पर। तो आपकी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और चैनल बेटे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।